हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। भारत में इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है, बिकरू हत्याकांड में फरार अपराधी विकास दुबे के दो और साथियों को मार गिराया गया। पुलिस ने कानपुर में प्रभात मिश्रा जबकि इटावा में बहुवन को एनकाउंटर में ढेर कर दिया है। प्रभात मिश्रा को कल फरीदाबाद से हिरासत में लिया गया था। बताया जा रहा है कि प्रभात मिश्रा पुलिस हिरासत से भागने की कोशिश कर रहा था, कल हमीरपुर में अमर दुबे पुलिस एनकाउंटर में मारा गया था और आज प्रभात मिश्रा और रणवीर उर्फ बहुवन। इटावा से जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक आज सुबह 3 बजे के करीब बहुवन और उसके साथियों ने एक स्विफ्ट डिजायर गाड़ी लूटी थी। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, बहुवन की तस्वीर है और उसके बाद एनकाउंटर के बाद जब हॉस्पिटल ले जाया गया रणवीर को तो ये उसकी तस्वीर है। इसके अलावा प्रभात मिश्रा की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, विजुअल वीडियो में विकास का एक और साथी ढेर हुआ वो भी दिखा रहे हैं। सूचना के बाद पुलिस ने एक कार का पीछा किया, जब इन्होंने भागने की कोशिश की ये गाड़ी इनकी एक पेड़ से टकरा गई। बहुवन और उसके साथियों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी, क्रॉस फायरिंग हुई, 3 साथी फरार हो गए लेकिन बहुवन वहीं का वहीं ढेर हो गया। तो वही जैसा कि जानकारी आपको दी गई कि पुलिस की जवाबी कार्रवाई में बहुवन मारा गया, उसके 3 साथी भागने में कामयाब रहे। एनकाउंटर की जगह से पुलिस को डबल बैरल की एक बंदूक और पिस्तौल मिली, इसके अलावा कई सारे कारतूस भी बरामद किए गए हैं। ये तस्वीरें बता रही हैं कि एनकाउंटर किस जगह हुआ, किन हालातों में हुआ। एक गाड़ी लूटकर भागते वक्त क्रॉस फायरिंग में रणवीर और बहुवन को ढेर कर दिया गया। रणवीर और प्रभात मिश्रा के साथ विकास दुबे गैंग के 5 गुर्गे अब तक ढेर हो चुके हैं, इसमें से 3 गुर्गे पहले ही ढेर हो चुके थे। कल हमीरपुर में अमर दुबे मारा गया था, बिकरू कांड के अगली सुबह प्रेम प्रकाश पांडे और एक चचेरा भाई मारा गया था और आज प्रभात मिश्रा और रणवीर और बहुवन मारा गया। कुल मिला के 5 गुर्गे विकास दुबे गैंग के ढेर हो चुके हैं। 7 दिन से लगातार नमस्ते भारत हर दिन आपकी शुरुआत इसी खबर से कर रहा है, हर अपडेट आपके सामने रख रहा है। और ये लीजिए, आज भी सबसे पहले हमने आपको खबर बताई, तस्वीरें दिखाई, विकास के करीबी कितने हैं जो अब तक मारे गए हैं, 5 वो लोग जान लीजिए। प्रेम प्रकाश पांडे जो कि मामा है ढेर हो गया है, उसके अलावा अतुल दुबे जो कि उसका चचेरा भाई था वो भी मारा गया। अमर दुबे कल हमीरपुर में ढेर हो गया, रणवीर और बहुवन आज सुबह इटावा में मारा गया। इसके अलावा प्रभात मिश्रा जिसको कल हिरासत में लिया गया फरीदाबाद से भागने की कोशिश कर रहा था ढेर हो गया है। दयाशंकर अग्निहोत्री गिरफ्तार है पुलिस की हिरासत में, जबकि श्यामू वाजपेयी भी गिरफ्तार है। कुल मिला के विकास दुबे गैंग करने में जुटी है। सीधे लिए चलते हैं आपको संजय त्रिपाठी के पास जो कि इस वक्त कानपुर से हमारे साथ जुड़ गए। संजय, आज की सुबह 2 कामयाबी लेकर आई उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए। आज 2 बदमाशों को ढेर किया गया, जिनमें से एक प्रभात मिश्रा है जिसको एसटीएफ की टीम ट्रांजिट रिमांड पर लेकर के आई थी कानपुर और उससे पूछताछ करनी थी, लेकिन तड़के सुबह जब उसको थाने की ओर लाया जा रहा था उस वक्त एसटीएफ की गाड़ी के पीछे जो पनकी पुलिस की गाड़ी थी जिसमें ये बदमाश बैठा हुआ था वो गाड़ी का टायर पंक्चर हो जाता है, तो जब पुलिसकर्मी उतरते हैं तो उसी में से एक सब इंस्पेक्टर की रिवॉल्वर छीन करके प्रभात मिश्रा भागने की कोशिश करता है और पुलिस जब उसको दौड़ाती है तो उसी रिवॉल्वर से उसने फायर करना शुरू कर दिया, जिसके बाद पुलिस के काउंटर फायर में प्रभात मारा जाता है। प्रभात विकास का बेहद करीबी था और जब फरीदाबाद से कल अरेस्ट हुआ है तो उसके पास से 2 पिस्टलें बरामद हुई हैं जो पुलिस कर्मियों से बिकरू कांड के दौरान लूटी गई थी। और दूसरी घटना सुबह तड़के 4:15 बजे के आसपास इटावा के बकेवर में होती है, जहां पुलिस को सूचना मिलती है कि कुछ बदमाश मूवमेंट में हैं जिनके बारे में सूचनाएं चल रही हैं। पुलिस ने जब उनको रोकने का प्रयास किया तो क्रॉस फायरिंग हुई और क्रॉस फायरिंग में बहुवन शुक्ला मारा जाता है, 50,000 का इनामी है बहुवन शुक्ला। तो इस तरह की आज दोनों घटनाएं, 2 बड़ी उपलब्धियां पुलिस के खाते में दर्ज हुई हैं। विकास दुबे के गुर्गे तो मारे जा रहे हैं। लखनऊ से हमारे सहयोगी रणवीर भी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका रुख कर लेते हैं। रणवीर, सवाल तो बरकरार है कि गुर्गे अगर सभी मार दिए जाएंगे तो विकास दुबे का आता पता कौन बताएगा, वो तो 150 घंटे से फरार है। देखिए, फरार तो है लेकिन जिस तरीके से पुलिस को अलग अलग जगहों से सूचना मिल रही है, दबिश हो रही है और उसके बाद लगातार जो रिपोर्ट्स आ रही हैं कि पुलिस पर ही हमला करने की कोशिश, जैसे प्रभात मिश्रा जिसको ट्रांजिट रिमांड पे लाया गया था वो गाड़ी पंचर होती है और उसके बाद भागने के चक्कर में वो पिस्टल छीनता है और फरार होता है, ऐसे में पुलिस के सामने कोई विकल्प भी नहीं है कि वो एनकाउंटर के अलावा क्या करें। तो कल एक बड़ी सफलता मिली थी अमर दुबे की और आज 2 बड़ी सफलताएं मिली हैं, बहुवन शुक्ला की और प्रभात मिश्रा की, दोनों को एनकाउंटर में मार गिराया गया है। और इस बीच में जो सबसे बड़ा फोकस है वो विकास दुबे ही है, जिसकी लास्ट लोकेशन फरीदाबाद देखी गई थी और पूरे दिल्ली एनसीआर समेत जो भी बॉर्डर एरियाज हैं उन सारे इलाकों में विकास दुबे की तलाश की जा रही है। आपको बताऊं कि इस पूरे मामले में जिस तरीके से लगातार एसटीएफ और यूपी पुलिस लगी हुई है, अन्य राज्यों की पुलिस से भी संपर्क किया जा रहा है और जो लोकेशन मिली थी
विकास दुबे की। उसके बाद उस पूरे जो भी इलाके हैं उस इलाके में छानबीन चल रही है और उम्मीद कर रहे हैं कि कोई अच्छी खबर आएगी। जी आप नजर बनाए रखिए, हमारे साथ बने रहिए। संजय के पास चलते हैं। संजय, ये बवन उर्फ रणवीर जिसको आज इटावा के बकेवर में मार गिराया गया, इसके ऊपर कितने मुकदमे दर्ज थे? 50,000 का इनाम था, इसका मतलब इसकी भी हिस्ट्री सीट काफी बड़ी होगी। संजय आपको आवाज मिल रही है मेरी? कानपुर नगर देहात जी आवाज मिल रही है आपको? काश दुबे का बेहद करीबी रहा है, कई आपराधिक वारदातों को विकास के इशारे पर यह अंजाम दे चुका है। हत्या, लूट, डकैती समेत तमाम मुकदमे इसके खिलाफ दर्ज हैं कानपुर नगर कानपुर देहात में। कई वारदातों में ये वांछित भी था, लेकिन विकास दुबे के पास ये रहता था तो पुलिस ऐसी दशा में इसको छूने की हिम्मत नहीं करती थी। और इनाम की जहां तक आपने बात की, तो जो ताजा बिकरू वाला कांड हुआ है उसके बाद से लगातार इनामी राशि जो बढ़ रही है उसमें इसको इसकी तलाश और तेज हो गई और इस पर इनाम लगातार बढ़ा करके 50,000 कर दिया गया है। तो इसकी पूरी क्राइम की हिस्ट्री पुलिस खंगाल रही है। फिलहाल ये मोस्ट वांटेड था उस लिस्ट में जो विकास के साथ बिकरू कांड में शरीक थी। जी विकास, बिल्कुल। और देखिए प्रभात मिश्रा की जो तस्वीर लगातार एबीपी न्यूज दिखा रहा है उसमें इसकी टी शर्ट में लिखा है अपना टाइम आएगा, आ गया टाइम उसका। लेकिन इन सब के बीच रणवीर अब भी सवाल वही का वही कि बवन जब एनकाउंटर में ढेर हुआ तो तीन साथी फरार कैसे हो गए? उत्तर प्रदेश पुलिस 10 राज्यों में खाक छान रही है, अपने राज्य में क्या इतनी मुस्तैदी नहीं कर पा रही है कि एक तो ढेर कर रही है लेकिन तीन तो फरार हो पा रहे हैं? देखिए पुलिस पर लगातार सवाल उठ रहे हैं और जिस तरीके से कल एडीजे लॉ एंड ऑर्डर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कई सवाल उठे थे कि पुलिस अपनी नाकामी की जगह पे खूबियां गिनवा रही थी कि क्राइम रेट कम हो गया है, ऐसे में जाहिर है सवाल उठेगा। बवन शुक्ला 18वें नंबर पे एफआईआर में जो 21 लोग नामजद थे उसमें 18वें नंबर पे था और प्रभात मिश्रा 15वें नंबर पे लिस्ट थी। ऐसे में अब पुलिस की सबसे पहली कोशिश है कि पहले नंबर पे जो विकास दुबे है उसको पकड़ा जाए। पुलिस कोशिश में लगी है लेकिन जिस तरीके से बताया है सूत्रों ने, रणवीर आपके पास दोबारा लौटेंगे कानपुर में जहां पर प्रभात मिश्रा का एनकाउंटर हुआ है उस जगह लेकर चल रहे हैं अपने दर्शकों को। तस्वीरें भी हमारे पास आ गई हैं उस लोकेशन पर, क्या हाल है ये दिखाते हैं। तो कानपुर की तस्वीरें अगले कुछ सेकंड में आपके टीवी स्क्रीन पर होंगी जहां प्रभात मिश्रा मारा गया, वो तस्वीरें अगले कुछ सेकंड में होंगी। लेकिन उन सब के बीच वो ग्राफिक्स के जरिए आप समझ, विकास दुबे के सहयोगी प्रभात जिसे कि यूपी पुलिस फरीदाबाद से गिरफ्तार करके लाई थी उसे इनकाउंटर में मार गिराया गया। मेरे साथ एडीजी साहब हैं। सर विस्तार से बताइए किस प्रकार का घटनाक्रम रहा, क्योंकि प्रभात को आप लोग फरीदाबाद से गिरफ्तार करके ला रहे थे। देखिए रिमांड पर लाया जा रहा था, जाते हैं पहले एक करेक्शन करेंगे जो है, और जैसा कि यहाँ पर हमारी एसटीएफ की टीम और क्राइम ब्रांच की टीम जो है, क्योंकि जो एसटीएफ की टीम थी जो है वो इस इलाके के से भिग नहीं थी तो उसके साथ क्राइम ब्रांच की भी हमारी टीम लगी हुई थी। और उसके बाद जाते हैं उसने जाते हैं अपना पुलिस पर जाते हैं अपना जाते हैं उसकी पिस्टल छीन करके जाते हैं अपना पुलिस पर जो है फायर करने लगा, जिसके क्रम में जाते हैं फिर पुलिस ने जाते हैं उसको मुठभेड़ में अपना मार गिराया है। इसके साथ साथ हम ये भी अवगत कराना चाह रहे हैं कि आज एक और इटावा जनपद में बकेवर में एक घटना हुई कि जहां पर स्विफ्ट डिजायर गाड़ी छीन करके कुछ बदमाश जो है भागे थे। बकेवर थाने की घटना थी, पुलिस ने चारों तरफ वाहनों की चेकिंग लगाई जिस क्रम में वहां पर जाते हैं एक मुठभेड़ हुई है सिविल लाइन थाना क्षेत्र में, और जिसमें एक बदमाश को जो है गोली लगी जिसे अस्पताल ले जाया गया और जब उसकी शिनाख्त की गई है तो वो भी विकास गैंग का ही 50,000 का रिवार्डेड क्रिमिनल बवन शुक्ला निकला है। तो इस तरह इटावा जनपद की हमारी पुलिस ने और यहाँ पर हमारी एसटीएफ और जिला पुलिस की संयुक्त टीम ने जाते हैं पुलिस ने दो बदमाशों को मार गिराया है। पुलिस टीम की हौसला अफजाई है तो जाते हैं आईजी रेंज मोहित अग्रवाल जो है इटावा गए हुए हैं और यहाँ मैं अपनी टीम को हौसला अफजाई करने हैं तो यहाँ आया हूँ। यहाँ पर जो इनकाउंटर हुआ सर सुबह कितने बजे? विवरण एसएसपी साहब कितने बजे सर, कितने बजे तकरीबन? एसएसपी साहब बता रहे हैं एसएसपी साहब। ठीक है, और सर हम अगर पूछना चाहें आपसे कि विकास दुबे को लेकर के क्या अपडेट है सर, क्या उसके कितने नजदीक आप लोग पहुंचे? देखिए जैसा आप देख रहे हैं कि लगातार जाते हैं इसके गुर्गों पर जो है पुलिस जो है
कल अभी हमीरपुर में कार्रवाई हुई है, आज इटावा में हुई है। लगातार हमारी पूरे प्रदेश की टीम के साथ साथ जाते हैं, अन्य प्रदेशों की भी टीम हमारी जो है लगी हुई है। फरीदाबाद में भी कल हमारी दो लूटी हुई पिस्टल बरामद हुई। हम विभिन्न प्रदेशों की पुलिस के साथ सक्रिय उससे सहयोग से जाते हैं, हम जल्दी जाते हैं उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। आप हमारे दर्शकों को बता सकते हैं सर कि विकास को लेकर के किस तरह किस लोकेशन पर है विकास दुबे, क्या आप लोगों के पास जानकारी? हम लोग की जो है ये सब चीजें हैं जिसमें हमारी टीमें लगी हैं, हर चीज जो है अपना जाते हैं। लेकिन मान सकते हैं कि वो पुलिस के रडार में है? नहीं, रडार में है, आप देख ही रहे, उसी का असर है। शायद ही कोई दिन है जिसमें जो है किसी न किसी प्रदेश की किसी न किसी जिले की टीम जो है इसमें लगी हुई है, और लगातार हम आपको देते हैं अपना जो है अपना परिणाम दे रहे हैं, और सिर्फ हम जो विकास दुबे के खिलाफ भी देते हैं जो है कार्रवाई कर आपको अवगत कराएंगे। ठीक है, तो ये एडीजी साहब थे, एसएसपी साहब हमारे साथ हैं, हम उनसे घटना का जो विवरण है वो लेने की कोशिश करेंगे किस प्रकार एनकाउंटर हुआ। हालांकि शुरुआती तौर पे जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक सुबह 6:30 बजे के आसपास प्रभात, जिसको कि यूपी पुलिस फरीदाबाद से लेकर के आ रही थी, उसने बताया जा रहा है, पुलिस का जो दावा है पुलिस के मुताबिक उसने एक पुलिसकर्मी से पिस्टल छीनकर भागने की कोशिश की, और इस दौरान पुलिस ने, जाहिर सी बात है जब पुलिस उसके पीछे गई, मुठभेड़ हुई, और मुठभेड़ में प्रभात जो है वो पुलिस की गोलियों का निशाना बना और प्रभात ढेर हो गया। सबसे पहले एबीपी न्यूज कानपुर इनकाउंटर के साइट पर पहुंचा। देखिए ठीक ये जगह पुलिस ने इसे चारों तरफ से घेर दिया है। ये जो जगह है ये कानपुर के बाहरी इलाके में पनकी बाईपास, इस इलाके को कहते हैं। बड़ी संख्या में यहां पर पुलिस बल मौजूद है। ये गोल जो आप घेरे देख रहे हैं ये क्राइम, यही वो सीन है, यही वो जगह है जहां पर कि प्रभात जो विकास दुबे का खास सहयोगी था, जिसे कि फरीदाबाद से पुलिस जो है वो गिरफ्तार करके लेकर आ रही थी, उसे मार गिराया गया है। आपको ये बात एक बार फिर से बता दें कि विकास दुबे ने जघन्य हत्याकांड करने के बाद जब वो फरार हुआ तो उसके साथ, विकास दुबे के साथ प्रभात था, और प्रभात को गिरफ्तार किया गया फरीदाबाद से। हालांकि उस वक्त विकास दुबे वहां से फरार हो चुका था, प्रभात को पुलिस जो है, यूपी पुलिस जो है वो कानपुर लेकर के आ रही थी, लेकिन पुलिस के मुताबिक उसने पुलिस की हिरासत से भागने की कोशिश की, पिस्टल छीन कर भागने की कोशिश की, और इस दौरान मुठभेड़ हुई। हालांकि ज्यादा जानकारी जो है और जो आधिकारिक जानकारी है किस परिस्थिति में ये मुठभेड़ हुई वो जानकारी एसएसपी देंगे। जैसा कि एडीजी ने कहा है, तस्वीरों में हम आपको दिखा सकते हैं कि घटनास्थल पर जो है वो पुलिसकर्मी और तमाम पुलिस अधिकारी मौजूद हैं, और हम इनसे बात करेंगे, मौके पर हम मौजूद हैं, और मौके की जो तस्वीर है वो हम आपको दिखाएंगे। अपने कैमरा पर्सन मंजू जी से मैं कहूंगा कि जरा चारों तरफ की तस्वीर दिखाइए। ये देखिए, ये जो इलाका है ये बाईपास के बगल का इलाका है, और पुलिस के मुताबिक प्रभात ने भागने की कोशिश की। चारों तरफ आप देखिए सुनसान ये इलाका, चारों तरफ सुनसान इलाका है, और यहां से कुछ मीटर की दूरी पर, तकरीबन अगर मैं अनुमान लगाऊं तो लगभग 300-400 मीटर की दूरी पर जो है वो हाईवे गुजरता है। पुलिस के मुताबिक प्रभात को लाया जा रहा था, और तभी ठीक इसी लोकेशन पर उसने मौका पाकर पुलिस से पिस्टल छीनकर भागने की कोशिश की, जिस दौरान वो यहां पर मारा गया। बड़ी संख्या में पुलिस बल यहां पर मौजूद है, और हम अभी भी एसएसपी का इंतजार कर रहे हैं कि वो आधिकारिक तौर पर हमें बताएंगे कि किन परिस्थितियों में प्रभात जो है वो उसने पुलिस का पिस्टल छीना, क्योंकि ये भी एक अहम सवाल है। अगर पुलिस जैसा शुरुआती तौर पर जो पुलिस सोर्सेज का कहना है कि उसने पिस्टल छीना, तो एक सवाल है कि आखिर आपके गिरफ्त में जो अपराधी है वो पिस्टल कैसे छीन सकता है। लेकिन ठीक है, अगर पिस्टल छीना भागा, कुल मिलाकर के क्या परिस्थिति रही, पुलिस क्या उसे गिरफ्तार नहीं कर सकती थी दोबारा, तमाम जो सवाल हैं उसका जवाब एसएसपी को देना है। एसएसपी साहब का इंतजार कर रहे हैं। उससे पहले एक बार फिर हम आपको बताएं कि तड़के सुबह साढ़े छह बजे बिकरू हत्याकांड का जो मुख्य आरोपी है विकास दुबे, हत्यारा विकास दुबे, जिसने 8 पुलिस वालों की हत्या करवाई, उसका एक अहम साथी जिसके साथ वो फरीदाबाद फरार हुआ था प्रभात, उसे पुलिस ने एक और इनकाउंटर में मार गिराया है। और ये अगर हम सिलसिला देखें तो ये लगातार तीसरा इनकाउंटर है। कल सुबह हम यहां कानपुर से 100 किलोमीटर दूर हमीरपुर जिले में पुलिस ने विकास दुबे के एक राइट हैंड को, जो सबसे खास
इटावा के एसएसपी आकाश तोमर को सुन लेते हैं, जहां पर इनकाउंटर विकास दुबे के साथ था और उसके ऊपर 50,000 रुपए का इनाम था। तो लगातार बने हुए इस वक्त की सबसे बड़ी खबर पर, बड़ी खबर ये कानपुर और इटावा से आ रही है। इटावा में बहुवन ढेर हुआ विकास का गुर्गा, और कानपुर में प्रभात मिश्रा ढेर हुआ जो कि फरीदाबाद से हिरासत में लिया गया था। कानपुर के पंकी थाना क्षेत्र में यह मुठभेड़ हुई जहां उसे मार गिराया गया। इटावा की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी जहां ग्राउंड जीरो पर खुद एसएसपी आकाश तोमर पहुंचे हुए थे, मौके का मुआयना कर रहे थे। वो इस बारे में क्या कह रहे हैं आगे आपको सुनवाएंगे, लेकिन ये पूरा घटनाक्रम किस तरीके से हुआ हमारे संवाददाता जैनेन्द्र कुमार बता रहे थे कि प्रभात मिश्रा कहां इनकाउंटर में ढेर हुआ। दूसरी तस्वीर उस रणवीर उस बवन की है जिसे इटावा में ढेर किया गया। जैनेन्द्र हमारे साथ उसी जगह से बने हुए जहां पर पनकी में जिस जगह पर इनकाउंटर हुआ था प्रभात मिश्रा का, जैनेन्द्र के पास चलते हैं। जैनेन्द्र क्या आपकी बात हो पाई वहां पर, कितना असलाह मिला इसके अलावा भी, क्योंकि ये पुलिस की बंदूक लेके भागा था। वहां 3-4 सर्कल हमें बने हुए दिखाई दे रहे हैं, उस सर्कल्स पर क्या कारतूस गिरे थे, कितनी फायरिंग की इसने पुलिस की पिस्टल छीनने के बाद? बिल्कुल बिल्कुल प्रभात जी, एबीपी न्यूज सबसे पहले इस लोकेशन पर पहुंचा है। पहुंचते ही हमने एडीजी से बात की है और हमने इनकाउंटर की जो विस्तृत जानकारी है, किन परिस्थितियों में इनकाउंटर हुआ, तमाम सवाल जब हमने उनसे पूछे तो उन्होंने कहा कि इस इनकाउंटर का ब्यौरा एसएसपी साहब देंगे। एसएसपी साहब हमारे पीछे हैं, वो क्राइम सीन पर मौजूद हैं। जहां तक इन गोल घेरों का सवाल है तो बुलेट तो मुझे साफ तौर पर नजर आ रही है विकास जी। ये देखिए, ये एक खोखा मुझे यहां से दिख रहा है, ये जो एक गोल सर्कल है उसके बगल में जो गोला गोल घेरा है सफेद, उसमें एक बुलेट नजर आ रही है। इसके अलावा एक खोखा जो है वो दूर लगभग यहां से मैं देख पा रहा हूं कि 5 से 6 गोल घेरे बने हुए, यानी कम से कम यहां पर आधा दर्जन राउंड फायरिंग तो हुई ही है, क्योंकि इतने खोखे तो मुझे नजर आ रहे हैं। आधिकारिक तौर पर पुलिस बताएगी यहां पर घटनाक्रम जो था। पुलिस सोर्सेज के मुताबिक प्रभात को जब लाया जा रहा था फरीदाबाद से, तो इस एरिया में पनकी बाईपास के इलाके में उसने बताया जा रहा है कि पुलिस की पिस्टल छीनकर भागने की कोशिश की, और जब पुलिस ने उसका पीछा किया तो पुलिस के साथ उसकी मुठभेड़ हुई और गोलियों का वो निशाना बना। क्या प्रभात ने फायरिंग की पुलिस वारदात पर, ऐसे बहुत कम होता है कि एनकाउंटर होते ही तुरंत वहां पर मीडिया पहुंच जाए। जैनेन्द्र वाकई काबिले तारीफ आपने काम किया, और देखिए खबर अभी चली रही और आप वहां पर लाइव हमारे साथ मौजूद है। मैं चाहती हूं कि आप उस पूरा इलाका घूमकर हमको बताएं कि कैसे सुनसान इलाके में भागने की जोर आजमाइश इस दुर्दांत अपराधी ने की और पुलिस ने उसे ढेर किया, जरा इलाका दिखाइए। बिल्कुल 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 कुमकुम, जैसा हमने दर्शकों को बताया, एक बार फिर से हम दर्शकों को ये स्पॉट दिखाना चाहेंगे कि आखिर दर्शक समझ पाए कि ये आखिर किस तरह का इलाका है। देखिए, ये वो जगह है जहां पर मुठभेड़ हुई। मैं अपने कैमरा पर्सन मंजू जी से कहूंगा कि पूरा कैमरा ऊपर से पैन करे और पूरा इलाका दिखाए ताकि दर्शकों को समझ में आए कि आखिर किस जगह पर ये मुठभेड़ हुई। देखिए, ये सुनसान सा इलाका है, बाईपास से सटा हुआ। अमूमन कुमकुम हम जानते हैं कि बाईपास जो सड़क होती है वो शहर के बाहर के इलाके से गुजरती है, तो उसी तरीके से ये बाईपास है जो पनकी बाईपास इस इलाके को कहते हैं। आप अगर हमारा कैमरा दिखाने में सक्षम हो पा रहा होगा तो गाड़ियां आपको जाती आती, ट्रक जाते आते आपको नजर आएंगे। यहां से लगभग 400 मीटर आगे बाईपास गुजरती है, बाईपास के ठीक बगल में ये सुनसान इलाका है। और एसएसपी साहब, एसएसपी हमारे साथ हैं, दिनेश जी इनसे जानेंगे सर किन परिस्थितियों में ये इनकाउंटर हुआ। देखिए, अभी वायरलेस सेट पे जो सूचना चली थी कि यहां पे बहुत ही बाईपास पे एक सब इंस्पेक्टर से पिस्टल छीन के भागा गया है, तो इसी सूचना पे वायरलेस भी इन्फॉर्मेशन सुन के हम सब लोग यहां आए हैं। ये पता चला कि ये जो हम लोग वहाँ जो जिसका सरकारी पिस्टल वगैरह बरामद हुआ फरीदाबाद में, अरेस्ट हुआ था और वहाँ एक्सेप्ट किया है, जो वो वहाँ कोर्ट से फिर यहाँ पे ट्रांजिट रिमांड में लाया गया है, उसी समय इन्होंने ये घटना किया कि गाड़ी का पंचर हो गया था यहाँ पे, उसी समय पे जो वेट बढ़ता है तो सबको नीचे उतरवाया गया टायर बदलने के लिए। यही मौका पाके उसने वहां से, क्योंकि माहिर था पिस्टल चलाने, दरोगा जी की पिस्टल छीन के ये इधर को फायरिंग करते हुए भागा, और पूरा मतलब ये क्योंकि इनके साथ एक सिपाही भी था तो उनसे भी मार के पिस्टल छीन के ये भागा इधर। तो आगे फिर इन लोगों ने कार्रवाई किया, पीछा किया है तो ये मुड़ मुड़ के फायर भी कर रहा था। एक हमारे दो सिपाही एसटीएफ के घायल हो गए हैं, उनको गोली लगी है, गोली लगी है, उनको भी हॉस्पिटल ले गए हैं। दो सिपाही को गोली लगी है, और जो एसटीएफ की इंचार्ज जो सब इंस्पेक्टर पार्टी में था उसकी भी गोली लगी है, बट वो बच गया था, डीपी पहना हुआ है इसलिए बच गया था। अब वो आगे जो कार्रवाई में उसको, इन लोगों ने रिटेलिएटरी फायर किया तो उसमें उसको गोली लगी है,
लगभग कितने राउंड फायरिंग हुई होगी सर? देखिए, ये तो सब गिनना पड़ेगा, इनका असला देखने पड़ेंगे, ये तो फील्ड यूनिट शुरुआती तौर पर क्या जानकारी है सर, पुलिस ने कितने राउंड? देखिए, ये सब आप जैसे आए हैं मैं भी ऐसे ही आया हूँ, ठीक है। इसमें मैं ये काम जो है फील्ड यूनिट का है उन्हें करने दीजिए। कितने बजे ये घटना कितने बजे हुई सर? ये अप्रोक्सीमेटली 6 के बजे आसपास के ही शुरू हो गया है, मतलब अभी देखना पड़ेगा। क्या उसे फरीदाबाद से ला ही रहे थे, अभी लाया ही जा रहा था? हाँ जी, हाँ जी, ये आज इनको 4 बजे रिमांड ट्रांसिट। एसएसपी साहब, लेकिन लोग पूछेंगे कि वो अपराधी जो पहले ही 8 पुलिसकर्मियों की हत्या कर चुका है, जो फरीदाबाद में जब दबिश हुई वहां भी उसने पुलिस पार्टी पर फायरिंग की, उसको जब लाया जा रहा था तो इतनी लापरवाही, क्या किसी प्रकार की लापरवाही थी कि वो एक तो भागने की कोशिश करता है, भाग जाता है, ऊपर से हथियार छीन कर भाग जाता है, तो क्या ये एक प्रकार की लापरवाही भी आप नहीं मानेंगे? देखिए, बिल्कुल नहीं मानूंगा, इसलिए नहीं मानूंगा कि एक हमारे आईओ गया है उसके साथ ऑटोमेटिक राइफल के साथ गया है, ये लोग हथियार चलाने में बहुत ही माहिर है और दुर्दांत भी है, और 8 पुलिस कर्मचारियों की हत्या, एक जगह 5 डेड बॉडी, एक जगह 2 डेड बॉडी, और सीओ साहब का पूरा काट के, और इस तरह से दुर्दांत अपराधी है, ये नॉर्मल लोग नहीं है। इसलिए तो ज्यादा अलर्ट रहना चाहिए, ज्यादा अलर्ट, तभी तो एसटीएफ एस्कॉर्ट कर रही थी, तभी तो हमारे जो ये जो बीपी सब लोग लेके चल रहे थे, और इन हम लोगों के ये भी आशंका था हो सकता है ये हम लोगों पे हमला करके छुड़ा दें, तो ये सब हम लोग अलर्ट थे, सब कुछ थे, तब से इनको संभाल पाया, बट ये एकदम से मूर्ख और दुर्दांत अपराधी है, ये इनको पुलिस 8 कर्मचारियों को मार चुके हैं, तो ये किसी हथकड़ी वगैरह नहीं पहनाया था क्या, इसको बांध के नहीं रखा था क्या कि ये ऐसे भाग गया हाथ छुड़ा करके और बंदूक छीन करके? नहीं, इसको देखना पड़ेगा, पुलिस टीम से बात करेंगे कि उन्होंने क्या किया, ये तो विवेचना का पार्ट है, क्या किए क्या नहीं किए हैं, तो अब तो मौके पर मैं भी जैसे आप आए मैं भी आया, ठीक है सर, लेकिन लोग सोच रहे होंगे, लोगों के मन में ये सवाल होगा कि एक इनकाउंटर होता है हमीरपुर में 24 घंटे पहले, फिर कानपुर में, क्या चुनचुन के विकास दुबे गैंग के लोगों को पुलिस जो निशाना बना रही है, हम लोग बदला ले रही है, कुल मिलाकर के 8 पुलिसकर्मियों की जो हत्या की विकास दुबे और गैंग ने, उसका बदला ले रही है पुलिस? पुलिस बदला नहीं ले रही है, पुलिस अपने कानूनी तरीके से अपने काम कर रही है, अपने जान बचाने के लिए फायर किया है, ऐसा कोई वो नहीं है, इसमें बदला लेने की कोई बात ही नहीं है। लेकिन सर लगातार आप देखिए ना, इटावा, कानपुर, ठीक है, तो ये एसएसपी हैं जो बता रहे हैं किस तरीके से, सवाल यहाँ पर यही है कि आपसे बातचीत पे एसएसपी खुद कह रहे हैं कि प्रभात मिश्रा और उसके साथी जितने भी हैं विकास दुबे के, सब हथियार चलाने में माहिर है। कानपुर के एसएसपी ने एबीपी न्यूज से कहा है, हिरासत से भागने की कोशिश कर रहा था प्रभात मिश्रा, और उसी कोशिश के दौरान उसने पुलिस से हथियार छीनकर भागने की कोशिश की, पुलिस पार्टी में फायरिंग की, 2 एसडीएफ के जवान घायल हो गए, बुलेट प्रूफ पहने हुए थे इसलिए एक जवान की जान बच गई। बड़ी बात यह, हमारे संवाददाता जैनेन्द्र ने बार बार जब वहां पर मौजूद पुलिस अधिकारियों से पूछा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि इतना दुर्दांत अपराधी आप ले जा रहे हैं, उसके बावजूद इतनी पुलिस प्रोटेक्शन के बीच वो पिस्तौल छीनने की कोशिश करता है, फिर भागने की कोशिश करता है। जैनेन्द्र लगातार हमारे साथ बने हुए, जैनेन्द्र बताएं। बिल्कुल बिल्कुल कुमकुम, घटनास्थल का ब्यौरा हमने दिया, घटनास्थल की पूरी जानकारी दी, बुलेट आदि ये देख लीजिए, यहाँ पर पुलिस ने इसको घेर दिया है, अब यहाँ पर जांच की जाएगी, फॉरेंसिक टीम आएगी, एसएसपी ने सारी जानकारी दी है, एडीजी ने सारी जानकारी दी है, और अब मैं अपने कैमरा पर्सन मंजू जी को कहूंगा कि मेरे साथ उस जगह पर चलें जहां पर कि वो गाड़ी पंचर है। दरअसल आपने जिक्र में सुना होगा कि पुलिस जब बता रही थी कि एक गाड़ी में लेकर के आ रहे थे और गाड़ी का टायर पंचर हुआ इस जगह पर, और इस दौरान जब पंचर हुई गाड़ी, इस दौरान प्रभात जो है उसने भागने की कोशिश की। अब देखिए मैं कितने कदम चल रहा हूं, दर्शकों को भी देखने दीजिए, घटनास्थल से तकरीबन 200 मीटर की दूरी, 200 से 300 मीटर की दूरी पर हाईवे गुजरता है, और उस जगह पर पुलिस की एक गाड़ी खड़ी है, और वही वो गाड़ी है जिसमें कि प्रभात को लाया जा रहा था, और जो गाड़ी पुलिस के मुताबिक पंचर हुई और इस दौरान प्रभात ने भागने की कोशिश की। मैं आपको घटनास्थल से उस जगह पर लेकर चल रहा हूं जहां पर कि वो गाड़ी पंचर हुई। यहां पर एक बार फिर हम आपको बता दें, पुलिस बड़ी संख्या में मौजूद है, एडीजी है, एसएसपी है, और घटना जो है वो बिल्कुल कुछ वक्त पहले ही हुई है, तकरीबन 6 से 6:30 के बीच में ये सारी घटना हुई है, और लगभग 1 घंटे के अंदर हम लोग यहां पर मौजूद हैं। एसएसपी ने कहा कि अभी बाकी जो सवालों के जवाब है वो विवेचना से मिलेंगे, जांच से मिलेंगे। देखिए, ये हाईवे है, ये हाईवे है, और ये जो पूरा इलाका है, मंजू जी जरा इस इलाके को भी दिखाइए, कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर पुलिस बल मौजूद है, कितनी गाड़ियां हैं, और साथ में आते भी रही है, बड़ी संख्या में यहाँ पर पुलिस बल है, क्योंकि ये जो प्रभात था ये विकास दुबे का खास आदमी था, इसी प्रभात के साथ विकास दुबे जो है
वो भागा था फरीदाबाद, और वहां से फरीदाबाद में जब पुलिस को इंटेलिजेंस से पता चला कि विकास दुबे है यहां पर छुपा हुआ, जब पुलिस वहां पर पहुंची थी तो विकास दुबे तो फरार हो गया था, प्रभात पुलिस के कब्जे में आया था और उसी को लेकर के पुलिस जो है वो रिमांड पर ला रही थी कानपुर। और कानपुर में सुबह 6 से 6:30 के बीच में कानपुर के बाहरी इलाके में पनकी बाईपास के पास पुलिस मुठभेड़ में प्रभात मारा गया। जयेंद्र, और अगर गाड़ी तक जाने की कोशिश कर रहे हैं उस दौरान, हम ये भी समझना चाहेंगे आपसे कि जिस तरीके से उन्हें खुद एसएसपी ने कहा है कि बहुत ही माहिर था हथियार चलाने में, तो इस पूरे मामले पर तफ्तीश से बात करेंगे आपसे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे।